अगर आप मेरे से पूछते हो कि 2023 के अंदर कौन सा आईफोन बेस्ट रहेगा परचेज करने के लिए, तो मेरा आंसर होगा आईफोन 13, क्योंकि उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर मिल जाते हैं आईफोन 14 वाले। दिखने में आइडेंटिकल है बट प्राइसिंग के अंदर आपको यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस मिल जाता है। जो लोग ऑलरेडी आईफोन 13 यूज कर रहे हैं, क्या उनको आईफोन 14 की तरफ जाना चाहिए, या फिर अगर आप पहली बार आईफोन लेने की सोच रहे हो या फिर अपग्रेड कर रहे हो, देन आपको आईफोन 12 की तरफ जाना चाहिए, आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए या फिर आईफोन 14 सीरीज की तरफ जाना चाहिए, और कब होगा बेस्ट टाइम आईफोन 13 को परचेज करने का जहां पर आपको ये बेस्ट प्राइस के अंदर मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको सेकेंड हैंड आईफोन 13 परचेज करना है तो किस प्राइस के अंदर आपको आईफोन 13 मिलेगा सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, ये सारी बातें हम करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो नेटवर्क। चैनल पे नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। सो ये है हमारा आईफोन 13 स्टार लाइट कलर में, जो कि आया था 2021 के अंदर, बट धूम मचा दी इसने 2022 के अंदर, और डेफिनेटली 2023 के अंदर भी ये धूम मचाने वाला है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है स्पेशली स्टार लाइट कलर में। वैसे टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और डिजाइन की बात करें तो कमाल का आपको यहाँ पे डिजाइन मिलता है, जो कि ये कैमरास हैं वो डायगनल आने शुरू हो गए आईफोन 13 के अंदर, जो कि फॉलो हुआ है आईफोन 14 सीरीज के अंदर भी। आईफोन 13 और आईफोन 14 को अगर आप साथ में रख देते हो तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा आईफोन 13 और कौन सा आईफोन 14, दोनों ही इतने ज्यादा आइडेंटिकल हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे आईफोन 12 से, तो कैमरा का साइज यहाँ पे बड़ा हुआ है और कैमरास डायगनल हुए हैं, अदरवाइज वहां पर भी आपको डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। फ्लैट एल्युमिनियम एजेस के साथ आता है हमारा आईफोन 13, बट इसके एजेस काफी ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगते हैं, थोड़ा सा आपको सिल्वर और थोड़ा सा गोल्ड का यहाँ पे जो है शेड्स भी देखने को मिल जाते हैं इनके एजेस में, जिससे ओवरऑल फोन यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। फोन थोड़ा सा थिक और हैवी आईफोन 12 के मुकाबले में, जो कि पता नहीं चलता अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 14 से, तो मामूली सा फर्क है कुछ 2 ग्राम का वेट में, जो कि वैसे भी पता नहीं चलने वाला। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे इन एंड फीलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो एक परफेक्ट फोन आपके हाथ में आता है और काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है जब आपके हाथ में होता है ये फोन। और 13 लेके कहोगे कि आईफोन 14 है तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला। अब फ्रंट डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नोटिसेबल चीज होगी वो है यहाँ पर नोच का साइज, जो आईफोन 12 के मुकाबले में छोटा हो गया था, और आईफोन 14 में आपको फिर से यही वाला नोच का साइज मिलता है। 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आपको बस वहाँ पे डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, अदरवाइज 14 और 14 प्लस में आपको यही वाला नोच साइज मिलता है। नोच के अलावा आपको यहाँ पे साइड बेजल्स और चिन भी काफी ज्यादा थिन मिलने वाली आईफोन 13 में, और नोच के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर फेस आईडी, जो कि अगेन आईफोन 14 के अंदर सेम है। अब डिस्प्ले साइज और क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि बाकी सारे आईफोन के अंदर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड 6.1 इंच का ये साइज मिलता है, वही वाला साइज आपको यहाँ पे आईफोन 13 में भी मिल जाता है। 6.1 इंच की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, जिसको एप्पल कहता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि बेसिकली एक OLED डिस्प्ले है। और फिर से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको आईफोन 14 से, तो वहां पे आपको पिक्सल रेजोल्यूशन भी सेम मिल जाता है, 460 की PPI भी दोनों में सेम मिल जाती है, कंट्रास्ट रेशियो भी सेम मिल जाता है, इवन आईफोन 12 के अंदर भी आपको सेम ही यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है। फर्क आईफोन 12 से सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको बेटर ब्राइटनेस मिल जाती है, बट आईफोन 14 से ऑन पेपर वो भी सेम है। यहाँ पर आपको 800 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है टिपिकली, बट 1200 nits की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है HDR कंटेंट के टाइम पर। और डिस्प्ले ब्राइटनेस से आपको यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली, काफी अच्छे से विजिबल हो जाती है इवन आउटडोर में भी। बाकी क्वालिटी, कलर, वीडियोस देखनी हो, गेमिंग करनी हो, उन सब के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर कमाल की ये डिस्प्ले मिल जाती है आईफोन 13 की, क्योंकि एप्पल की OLED डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी होती है, डीपर ब्लैक्स मिल जाते हैं आपको, कलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जहां पर आपको कोई भी इससे शिकायत नहीं रहने वाली। अगेन वही बोलूंगा कि 14 भी ऑलमोस्ट सेम है, अगर अभी आईफोन 13 यूज कर रहे हो तो सिर्फ डिस्प्ले की वजह से आप आईफोन 14 की तरफ ना ही जाओ तो बेटर है। और ना सिर्फ डिस्प्ले, बाकी सारे फीचर भी ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर थोड़ा भी डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए 13 बेटर है या फिर आपको 14 की तरफ अपग्रेड कर लेना चाहिए। अच्छा, अब एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, जो कि एप्पल अपने नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर नहीं देता, वो है यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट। आपको आईफोन 13 के अंदर भी आईफोन 14 के अंदर भी 60Hz का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, 120Hz यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आईफोन 13 के कैमरास की।
सो आईफोन 13 के अंदर आपको रियर के अंदर मिलते हैं ड्यूल डायगनल कैमराज, और ये दोनों ही कैमराज जो है वो आपको मिलते हैं 12 मेगापिक्सल के मेन एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जहां पर आपको मेन कैमरा जो है वो मिलता है f1.6 के साथ, अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मिलता है f2.4 के साथ। साथ में आपको यहाँ पे सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिल जाती है। वही अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो वहां पर भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि आता है f2.2 के साथ। अब कैमरा परफॉर्मेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है कैमरा से। ऑल्दो यहाँ पे आईफोन 12 से थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है, बट हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं यहाँ पे आईफोन के कैमरास। 14 में भी डेफिनेटली यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलती है, फोटोनिक इंजन मिल जाता है, ऑटो फोकस, एक्शन मोड, बट दोनों की फोटोज आप साइड टू साइड रख के देखोगे अगर आईफोन 13 की और आईफोन 14 की, तो आपको कोई ऐसा मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने में लगेगा। दोनों की फोटोज आपको इक्वली यहाँ पे गुड मिलने वाली है। कुछ ये फोटो सैंपल है जो कि मैंने आईफोन 13 के कैमरा से यहाँ पे क्लिक किए हैं, जहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितनी अच्छी आपको यहाँ पे कलर साइंस मिल जाती है, कितनी अच्छी आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाती है। फोटोज को जूम करके भी देखोगे आपको वहां पर काफी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, फोकस भी यहाँ पे काफी अच्छे से रहते हैं ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा कलर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बाकी यहाँ पे आईफोन्स के कलर्स होते हैं और बेस्ट होते हैं, बाकी एंड्रॉइड फोन्स की तरह आपको यहाँ पे ज्यादा सेचुरेशंस वगैरह नहीं मिलते। और अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर स्विच करते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे से एरिया तो कवर हो ही जाता है, बट उन फोटोज के कलर्स इवन वहाँ पे डिटेलिंग जो है वो काफी अच्छे से मेंटेन रहती है। ये कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल के सैंपल है जो कि आपको शो हो रहे हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हो कितनी कमाल की फोटोग्राफी यहाँ पे आईफोन 13 के रियर कैमरा से की जा सकती है। फ्रंट कैमरा में भी आपको यहाँ पे वैसे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें, तो वहां पे आपको 6 यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर वैसे आप यहाँ पे ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट के पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हो। फ्रंट में भी आपको सेम यहाँ पे 6 जो है पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप जूम करके भी देखोगे फोटोज को, तो काफी अच्छे से जो है बैकग्राउंड ब्लर होते हैं और काफी अच्छी डिटेलिंग निकल के आती है पोर्ट्रेट मोड में भी। इवन फ्रंट कैमरा में भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर हुआ हुआ दिख रहा होगा, और एजेस भी अगर आप चेक करोगे तो काफी अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग उसके अंदर दिखती है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो खैर आईफोन की स्पेशलिटी है, आपको यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के अंदर ही 4K एट 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। आप चाहे वाइड एंगल से करो, चाहे आप अल्ट्रा वाइड एंगल से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कमाल की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आईफोन से, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। एक सैंपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे से समझते हैं आईफोन के कैमराज यहाँ पे कलर साइंस को, कैसे यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो शिफ्ट होती है, उसके अलावा आपको कितनी अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह मिल जाती है। और शूट करते करते आप यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल में उसको स्विच कर सकते हो, और वहाँ पे काफी अच्छा एरिया जो है यहाँ पे कवर हो जाता है, जो कि व्लॉगिंग के लिए यहाँ पे काफी अच्छा रहता है। और स्टेबिलाईजेशन की बात करें, तो अगेन ये आईफोन की स्पेशलिटी रहती है कि उनकी वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है। आईफोन 14 सीरीज के अंदर तो आपको इवन एक्शन मोड भी मिल जाता है, बट यहाँ पर भी बिना एक्शन मोड के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इवन फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको वीडियोस कितनी ज्यादा स्टेबल मिलती है, यहाँ पर मैंने अपने हाथ में फोन को पकड़ा हुआ था, कोई गिम्बल वगैरह नहीं था, तब भी यहाँ पे काफी अच्छी स्टेबलाइज वीडियोस आती हैं। और आपको माइक्रोफोन्स भी यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाते हैं, जिस वजह से व्लॉगिंग वगैरह के लिए आपको आईफोन 13 का कैमरा पसंद आने वाला है। एक और चीज आईफोन 13 की वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिल जाती है, जो है सिनेमैटिक मोड, जो कि आईफोन 12 के अंदर अवेलेबल नहीं है। आईफोन 14 में और इम्प्रूवमेंट होके यहाँ पे 4K का आपको सपोर्ट मिल जाता है, पर स्टिल आईफोन 13 के अंदर भी आपको काफी अच्छा सिनेमैटिक मोड मिलता है। ये सैंपल आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे फोकस जो है वो शिफ्ट होता है, और कितने अच्छे से बैकग्राउंड भी यहाँ पे ब्लर हो जाता है, एकदम आपको यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियोग्राफी का मजा मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, जो कि आईफोन 13 से ही यहाँ पर स्टार्ट हुए थे, उसके भी कुछ सैंपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अलग अलग फोटोग्राफिक स्टाइल्स के अंदर पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो, और ये चीज भी आपको यहाँ पर आईफोन 12 के अंदर नहीं मिलती। सो आईफोन 13 का कैमरा काफी ज्यादा जबरदस्त है, और अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक्शन मोड या फिर सिनेमैटिक मोड 4K हो गया, उस वजह से आपको आईफोन 14 की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर आप आईफोन 13 लेना चाहते हो, तो आईफोन 13 के कैमरास बेस्ट इन द मार्केट है। और सिर्फ कैमरा टेस्ट के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चिपसेट एंड सॉफ्टवेयर की। सो आईफोन 13 के अंदर आपको मिलती है A15 की बायोनिक चिप, और आपको आईफोन 14 के अंदर भी मिलती है A15 की बायोनिक चिप। जी हाँ, दोनों के अंदर ही सेम चिपसेट है, बट वहाँ पे GPU के अंदर कुछ यहाँ पे फर्क कर दिया गया, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो, बट कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। A15 की बायोनिक चिप इतनी पावरफुल है कि एप्पल ने उसको खुद ही दोबारा से यूज किया आईफोन 14 के अंदर भी। इससे आप समझ सकते हो कि जितनी मर्जी हैवी गेमिंग कर लो, हैवी वीडियो एडिटिंग कर लो, आपको आईफोन 13 से कोई भी लैग्स और प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, एकदम आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलनी है वाइल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहते हो,
सो आपको काफी पावरफुल चिपसेट के साथ मिलता है ये हमारा आईफोन 13। और अभी लेटेस्ट ही फोन है iOS 16.2 के ऊपर यहाँ पर रन कर रहा है, और आगे भी पता नहीं कितने ही इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने हैं। और मेजर iOS अपडेट की बात करें तो आपको यहाँ पे iOS 17, 18, 19, 20 सब मिलने वाले हैं इसके अंदर। अभी फ्यूचर प्रूफ आपका फोन है, आपको इसके अंदर 5G भी मिल जाता है। सो अब आप समझ ही गए होंगे, चिपसेट से लेके गेमिंग परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर अपडेट सब में इसको फुल नंबर है। कोई भी इसके अंदर मैं नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं बता सकता क्योंकि कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें है ही नहीं। अब बात करें हम यहाँ पे बैटरी की, सो अगेन यहाँ पर भी मैं अच्छा ही कहने वाला हूँ आईफोन 13 की बैटरी लाइफ को। ऑल डे बैटरी लाइफ आपको आसानी से मिल जाती है, अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो देन आपके आसानी से पूरा दिन जो है वो निकल जाता है। अगर एकदम ही नॉर्मल यूजर हो, आप व्हाट्सएप कॉलिंग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो देन आपका डेढ़ दिन तक भी आसानी से बैटरी यहाँ पर चल जाती है। और इसमें भी अगर आप कंपेयर करोगे इसको आईफोन 14 की बैटरी लाइफ से तो वहां पर भी आपको कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता। वीडियो प्लेबैक की बात करें तो अप टू 15 आवर्स चलती है आईफोन 13 में, और पर आईफोन 14 के अंदर आपको मिलती है 16 आवर्स तक की। ऑडियो प्लेबैक भी 75 आवर्स तक आपको मिलता है आईफोन 13 में, तो वहीं आईफोन 14 के अंदर 80 आवर्स तक होता है। तो स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ पे लगभग 40 मिनट्स का ही डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है आईफोन 13 और 14 की बैटरी भी। सो हर मामले में बजट को देखते हुए आईफोन 13 जो है वो आईफोन 14 से बेटर ही निकलता है। हाँ, अगर आपको डिस्प्ले साइज बड़ा चाहिए और आपको एकदम बेस्ट बैटरी चाहिए जो कि आपको मिलती है आईफोन 14 प्लस के अंदर, और आप iPhone 13 से अपग्रेड करना ही चाहते हो देन iPhone 14 के बजाय आप iPhone 14 प्लस पर जा सकते हो। अदरवाइज iPhone 13 इज बेस्ट फोन फॉर 2023। iPhone 14 भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे दोनों के प्राइस में डिफरेंस आ जाता है 10,000 से 15,000 का, और इतना वो वर्थ नहीं करता iPhone 14। अब प्राइस की बात करें तो एप्पल की ऑफिशियल साइट के ऊपर तो आपको लगभग 70,000 का मिल जाता है iPhone 13, और iPhone 14 आपको मिलता है 80,000 का, और iPhone 14 प्लस मिलता है 90,000 का। लेकिन आपको ऑफलाइन या फिर Amazon Flipkart के ऊपर आसानी से 64-65 का भी iPhone 13 जो है वो मिल जाता है 128GB वाला वेरिएंट, और सेल वगैरह के अंदर आपको लगभग 60 से भी नीचे मिल जाता है, 58-57 के आसपास भी आपको iPhone 13 मिल जाता है। अब बात करें सही टाइम की कि कब आपको यहाँ पर iPhone 13 सबसे सस्ते प्राइस के अंदर मिलेगा, तो सबसे सस्ते प्राइस के अंदर तो 2023 के अंदर आपको Flipkart की जो बिग बिलियन डे सेल आएगी जो कि अक्टूबर में आएगी, बट उसके अंदर अभी काफी ज्यादा टाइम है तब सबसे सस्ता मिलेगा। अदरवाइज जितनी भी रेगुलर सेल्स आती हैं जैसे अभी रिपब्लिक डे सेल आएगी, वैलेंटाइन डे सेल आएगी, उसके बाद आपको होली की सेल मिलेगी, तो इन सेल की अगर आप आसपास परचेज करते हो तो आपको नॉर्मल प्राइस से लगभग 3,000 से 4,000 का डिफरेंस मिल जाएगा कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगा के, एंड इवन ज्यादा भी हो सकता है ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर, क्रोमा के ऊपर, यूनिकॉर्न के ऊपर। सो वो आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूंगा जब भी कोई सेल आएगी। इवन अगर आप इसको अभी परचेज करना चाहते हो लगभग 60,000 के आसपास तब भी आपको काफी वर्थ रहने वाला आईफोन 13 क्योंकि जो आपको ये परफॉर्मेंस देता है वो आपको पैसा वसूल ही लगने वाला है। लेकिन iPhone 14 को 10-15,000 और डाल के लेना मेरे अकॉर्डिंग वर्थ नहीं लगता। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आपको बिगर डिस्प्ले चाहिए और ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए देन आप iPhone 14 प्लस की तरफ जा सकते हो, बट उसका प्राइस भी आपको 90,000 के आसपास मिलता है, बट वो काफी लोगों के लिए पॉकेट से बाहर हो जाता है। इसलिए बेस्ट फोन जो है वो 2023 का मेरे अकॉर्डिंग iPhone 13 ही है। अगर बेस्ट आईफोन लेना चाहते हो और इतना बजट है देन iPhone 13 की तरफ ही आपको जाना चाहिए। और अगर हम बात करें सेकंड हैंड मार्केट की तो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर आपको लगभग 43,000 से लेके 46-47 तक मिल जाता है अच्छी कंडीशन में iPhone 13। बट सेकंड हैंड आईफोन को परचेज करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए उसके ऊपर मैं पूरी ये वीडियो बना चुका हूं, इसको देखे बिना सेकंड हैंड आईफोन की तरफ मत जाना। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो होप अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।